MML की आवाज इत्तेहाद इत्तेहाद सारी कौम के इत्तेहाद से है देश जिंदाबाद। MML की आवाज इत्तेहाद इत्तेहाद सारी कौम के इत्तेहाद से है देश जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि मुल्क में वसाइल नहीं है, आप खुद सऊदीया जाते होंगे मकसद उमरे के लिए, आप में से बाद लोग गए होंगे, और उसके बाद अगर आप में से बाद लोग यूरोपियन जितने भी मकसद जो है ना वो मुल्क हैं, जो कुछ अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया अल्लाह की कसम कहीं भी नहीं। एक सोच बनो, आगाज बनो, एक कौम की सब आवाज बनो, सब मिलकर एक बुनियाद। दूसरा जो आपने मेडिकल कैंप का बताया, ये अगर रोजाना की बुनियाद पे बड़े मेन चौकों पे और मोहल्लों पे हो तो इसका भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और नस्लों के उस्ताद बनो, एक एक है और दो ग्यारह है। कचरा उठाना हो गया और बाकी गटर लाइन के ढक्कन वगैरह हो गए और बाकी पानी का निजाम हो गया, तो आप लोग अगर पूरे वसाइल देते हैं, ट्रैक्टर हो गए, जैसे वहाँ कचरों के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं, तो इंशाल्लाह काम दोबारा जारी हो सकता है। हो दीन तो 111 है, तकसीम नहीं सब जमा बनो, मिलकर तौहीद की शमा बनो। तो अच्छा, तन्हा आप कुछ नहीं करते, मगर जब टीम बन जाती है तो कोई काम नामुमकिन नहीं रहता। बनो दो मिल के फरोग उजालों को, दो मात अदू की चालों को, बाहमी असबियत खत्म करो, फिर कावारियत खत्म। हम सारे भाई आपके साथ वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर अपने साथ मजीद लोगों को जोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और इलाके के अंदर अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी पेश करेंगे। करो ये जो नफरत के फंदे हैं, ये सब दुश्मन के धंधे हैं, जो दुश्मन पाकिस्तान का है वो दुश्मन दीन इस्लाम का है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग।